वेलकम, स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है अनिकेत विक्रम, आप देख रहे हैं स्ट्रीम वेतन के। सो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे आते हैं टिकट कैसे करवाते हैं ऑफलाइन जाके काउंटर पे स्टेशन पे, तो वही आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। आपको इस ब्लॉग में बने रहिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए चलते हैं और आपको दिखाऊंगा मैं गुड़गांव का पेरस काउंटर, वहाँ पे कैसे टिकट बुक करते हैं, कैसे फॉर्म भरते हैं। चलिए चलते हैं, हम चंदू शहर के लिए टैक्सी या बाइक, अभी यहाँ से पकड़ते हैं टैक्सी या बाइक चंदू शहर के लिए, फिर चलते हैं आगे बस से। ये देखो, यहाँ से पकड़ते हैं टैक्सी या बाइक, फिर चलते हैं चंदू शहर से, चंदू शहर से बस पकड़ते हैं गुड़गांव के लिए। सो गाइज, हम पहुंच चुके हैं सदर मार्केट सोना चौक गुड़गांव। अब यहां से हम टैक्सी लेंगे स्टेशन पे जाने के लिए। चलिए बैठते हैं टैक्सी में और आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। ये हम टैक्सी में बैठ चुके हैं और आगे की तरफ जाते हैं। 3 किलोमीटर यहां से स्टेशन रहता है, अभी चलते हैं स्टेशन पे, फिर स्टेशन मिलता हूं मैं आपको। गुड़गांव में आपको कहीं भी जाने के लिए सिटी बसेस भी अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हम टैक्सी से जा रहे हैं। तो गाइस, देख सकते हो साथ में जोमेटो वाले अंकल हैं जो साइकिल से खाना डिलीवर कर रहे हैं। यार देखो, इतने धूप में यार कितना मेहनत कर रहे हैं यार। हे गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं गुड़गांव रेलवे स्टेशन। चलते टिकट करवाते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। ये है पीआरएस काउंटर। हम यहीं पे तो गाइस, भीड़ ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कम भी नहीं कह सकते हैं, इतनी गर्मी में देख सकते हो। फॉर्म हमने ले लिया, अब इसको फिलअप करते हैं फिर देते हैं इनको। तो गाइस, हमें फॉर्म मिल चुका है, ये फॉर्म भरते हैं फिर देते हैं उनको, वो हमें टिकट निकाल के देते हैं। चलिए चलते भरते हैं।
ये साथ में आपको स्टेशन दिख जाएगा, साथ में स्टेशन है, यहाँ से आप दिल्ली रेवाड़ी कहीं कहीं भी जाने के लिए आप जा सकते हो, यहाँ से ट्रेन ले सकते हो। तो गाइस हमें इस तरह का टिकट मिल चुका है और हम चलते हैं घर। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।